नमस्कार, मैं रानी सिंह, ईबीपी इंडिया के स्पेशल ब्यूटी में आपका स्वागत है। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। जिले में इसका मॉक ड्रिल सदर अस्पताल में किया गया। इस मौके पर डीडीसी और सिविल सर्जन सहित जिले के वरीय अधिकारी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल के दौरान 25 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका दिया गया। पहले फेज में पूरे जिले में 8,500 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना का वैक्सीन मिलेगा, जिसको लेकर कोरोना पोर्टल पर अपलोड हो चुका है। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पहले फेज में उन्हीं लोगों को कोरोना का टीका मिलेगा। कोरोना वैक्सीन के ट्राई के मॉक ड्रिल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का विशेष उपयोग किया गया, ताकि आने वाले समय में जब कोरोना का वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को कैसे वैक्सीन लगाना है। सिविल सर्जन ने साफ कर दिया कि पहले फेज में उन्हीं लोगों को कोरोना का वैक्सीन मिलेगा जो कोरोना वॉरियर है। सदर अस्पताल में एक्चुअली हम लोग मॉक ड्रिल कर रहे हैं कोरोना वायरस का, जो वैक्सीन आने वाला है उसके के लिए। इसमें 25 लोगों का हम लोग का मॉक ड्राइव करने का है कि कैसे प्रोसीजर होगा। उसमें देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कैसे काम होना है, और उसका मेन है कि कोविन जो पोर्टल है उस पर कैसे उसमें डाला जा रहा है, और पूरी प्रक्रिया का हम लोग। तो सर, जिन्हें जिन्हें वैक्सीन दिया जाएगा उनको चिन्हित कैसे किया जा रहा है? नहीं, वो सारे हेल्थ वर्कर्स को पहले करना है। उसमें अभी जो हम लोग 25 किए हैं तो अपना रैंडम अपना ही लिए हैं, क्योंकि मॉक ड्रिल है इसलिए अपना ही लोग स्टाफ लोग उन्हीं लोगों का लिया गया है, और सबका एक लिस्ट बनी है और सब पोर्टल में सबको अपलोड किया हुआ है। उन्हीं लोगों को जो पोर्टल अपलोड होंगे उन्हीं लोगों को मिल सकता है। तो सर, ये वैक्सीन लेने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए सबका नाम हम लोग ले चुके हैं पहले से ही, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर का ही पहला शिफ्ट है। उसमें हम लोगों ने करीब 8,500 हेल्थ केयर वर्कर्स का लिस्ट बना लिया है, और वो जब जरूरत होगी सब पोर्टल पर अपलोड करना। खबरों के लिए देखते रहिए ई पेपर इंडिया।